अस्सलाम वालेकुम फिटनेस फिट के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद। जी आया ने दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप तमाम अहबाब का बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे बताए हुए नुस्खों को इस्तेमाल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग शिफायाब हुए हैं अल्लाह ताला की कुदरत से। तो दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, खास तौर पर उन अहबाब के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ जिनको मर्दाना कमजोरी इतनी ज्यादा है कि वो आप खुद को मर्द नहीं कहते। बेगम के ताने सुन सुनकर वो इतने अंदर से टूट चुके हैं, डिप्रेशन के मरीज हो चुके हैं, यानी टेंशन ले लेके उनके बुरे हशर हो चुके हैं। तो उनको मर्दाना कमजोरी खत्म करने के लिए मैं आज एक ऐसा नुस्खा बताने लगा हूँ। आप यकीन माने, ये सुनहरे लफ्जों से भी अपने पास लिख के अगर रख लें ये नुस्खा, तो तब भी आपको ये पूरी जिंदगी काम देगा इंशाल्लाह। अव्वल तो आप एक दफा ही खाएंगे तो मुड़ के पूरी जिंदगी आपको कभी भी मर्दाना कमजोरी आपके नजदीक नहीं आएगी। जरियान एहतलाम के लिए बेहद मुफीद दवा आज आपको मैं बताने लगा हूँ। सिर्फ आप करना क्या है, नुस्खे को बड़े गौर से सुनना है क्योंकि आज का नुस्खा खास तौर पे मर्दाना कमजोरी को जड़ से खत्म करने वाला नुस्खा है। बहुत पना फायदे हैं इसके। अगर आपको मैं फायदे बताना शुरू कर दूं तो यकीन जाने कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं बहुत ही कम टाइम में नुस्खा आपके हवाले करके आपसे इजाजत तलब करूंगा। तो आइए जल्दी से फिर मैं नुस्खा दोस्तों आपके हवाले करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। जो नए आने वाले व्यूअर्स है वो जल्दी से फिटनेस फिट के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो नुस्खे का बकायदा आगाज करता हूं दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने क्या करना है दोस्तों, मूसली सफेद लेनी है। मूसली सफेद इंडियन अगर आपको मिल जाए तो आपने 3 तोला ले लेनी है। दूसरे नंबर पे आपने ताल मखाना लेना है, ताल मखाना भी आपने 6 तोला ले लेना है। तीसरे नंबर पे दोस्तों आपने गोखड़ू लेना है, गोखड़ू 9 तोला आपने लेना है। और सबसे आखिरी जो चीज है वो है कूजा मिश्री, कूजा मिश्री आपने 15 तोला लेनी है। अब आपने क्या करना है, तमाम अद्वियात का सफूफ बनाना है। जब अद्वियात का सफूफ बन जाए तो आपने क्या करना है, 2 माशा सुबह और 2 माशा ही शाम को आपने खाने से पहले दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह जरियान एहतलाम और मर्दाना कमजोरी का जड़ से खात्मा होगा, आपके अजू में जान आएगी, सख्ती तंदी देर तक रहेगी, बीवी के तानों से आप बच जाएंगे। दोस्तों ऐसे नुस्खे आपको बहुत ही कम मिलते हैं, जो बहुत ही कम पैसों में मिल के आप उन्हें जब बनाकर इस्तेमाल करें तो वो आपको फायदा दे। दोस्तों ये बहुत ही कम पैसों में मिलने वाला नुस्खा है, लेकिन इसके फायदे बहुत ही ज्यादा है। मुझे उम्मीद है आप इसको जरूर इस्तेमाल करेंगे और आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा। ऐसे ही नुस्खे जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मुझे दीजिए अब इजाजत, में मिलता हूँ कल इससे भी नए और बेहतरीन नुस्खे के साथ। दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।